Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम कानून में मजदूरवादी बदलाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम कानून में मजदूरवादी बदलाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर क्या नाम है आपका? शिव गोपाल मिश्रा। शिव गोपाल मिश्रा, जैसे हम देख रहे नर्मदा रेलवे मेन यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे हुए मांग कर रहे हैं। नहीं, आज तो एक ही सवाल को लेकर के तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें हिंद मजदूर सभा, हमारा एटक, एटक, यूटीयूसी, सीटीयूसी, सारे तमाम लोग जो है इंटक, वो सब लोग इस बात को लेकर के आक्रोश में आज जंतर मंतर पर आए हैं कि ये जो चार वॉल्यूम बनाए जा रहे हैं, कोर्ट बनाए जा रहे हैं श्रमिक आंदोलन, श्रमिक संगठनों के लिए, मजदूरों के लिए, और प्रचार ये किया जा रहा है कि ये सारे जो कोर्ट बन रहे हैं वो मजदूरों के हित में हैं, जबकि हम लोगों ने महसूस किया है कि ये सारे कानून जो बनाए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, वो सरमायेदारों के हितों के लिए बदले जा रहे हैं। अगर ये आरटीआई में बदलाव हो रहा है, आरटीआई से इसका मतलब नहीं है, हालांकि वो भी गलत है। आरटीआई बना था तो इस बात के लिए कि आरटीआई के जरिए लोगों को जो है वो सूचनाएं मिलेंगी, अभी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी आज जिसको लेकर के हमारे तमाम साथी यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, वो यही सवाल है कि ये जो हमारे तमाम जो साथी हैं वो इस बात को छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम जो कानून बना रहे हैं वो श्रमिकों के हितों में है, और जो कानून में बदलाव हो रहा है वो श्रमिकों के खिलाफ हो रहा है। अभी जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो हमको यूनियन बनाने में ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे हमको 30% आप जब हो जाएंगे तभी आप जो है वो संगठन बना सकते हैं, 30% तक बना नहीं पाएंगे। और कोई आदमी अगर मेंबर नहीं बनता है तो उसका ज़बरदस्ती पैसा जो है मालिक जो है वो मेजॉरिटी यूनियन में काट करके जमा कर लेगा, अपने खाते में जमा कर लेगा। यही नहीं है कि तमाम जो है वो हमारे अभी जो हमारे सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी काम करते समय, तो उसमें जिम्मेदारी थी मालिक की, उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, किससे करें सर? ये मांग भारत सरकार से है, जो कि कानून बदल रही है, जो कि काम के घंटे जो है वो बढ़ा रही है, अप्रेंटिस के ड्यूटी बढ़ाने का काम कर रही है, ओवर टाइम के घंटे जो है वो बढ़ाने का काम कर रही है, काम का बोझ डालने का काम कर रही है। महिला साथी जो हमारी हैं उनके लिए अभी तक आईएलओ में कन्वेंशन है, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इनको रात को ड्यूटी में नहीं लगाएंगे। अभी इन्होंने कह दिया कि नहीं, उनकी सहमति के आधार पर उनको लगा लिया जाए, जिसको नौकरी करनी हो तो सहमति दे गई। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता नहीं हूँ कि सरकार जो है वो, अगर वो चाहती है कि लोग सुकून के साथ में नौकरी करें, हमारे जो वेजेस थे वो यहाँ दिल्ली सरकार जो है 500 से ऊपर जो है मिनिमम वेज दे रही है, और अभी उन्होंने कहा कि सिर्फ 178 रुपये मिनिमम वेज होगा, अगर वो 2 रुपये सिर्फ ज़्यादा है 176 से। सर गवर्नमेंट नहीं बात मानती आप लोगों की, जैसे हम देख रहे हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग करें, तो आगे की नीति क्या होगी? आगे की नीति यही होगी, सरकार अगर बुलाएगी, बातचीत करेगी, तो हम लोग हमेशा बातचीत में विश्वास रखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात रखें, वो अपनी बात कहें, कोई एक समझौता की बात हो, और नहीं होगी तो सारे सेंट्रल ट्रिब्यूनल मिल करके फिर देश बंद करने का काम करेंगे।
मैडम क्या नाम है? मेरा नाम पूनम डबास है और मैं डीआरएम ऑफिस में कार्यरत हूँ और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की युवा कन्वीनर हूँ। जैसे हमने देखा जंतर मंतर पे आप अपनी मांगों को लेके आए और मैं कहूँगा कि जैसे महिलाओं की बात करें तो जैसे कि नाइट ड्यूटी के लिए पहले मना किया गया था, yes. फिर बोला गया कि अगर उनकी इच्छा है तो वो रात को भी ड्यूटी कर सकते हैं, yes. तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? आप जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप रात को ड्यूटी कराइए, बट देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सेफ स्पेयर्स प्रोवाइड कराएं, वो सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएं, और अगर उनका रात का शिफ्ट है तो उनको रेजिडेंट जो एरिया होगा जहां पर वो ड्यूटीज कर रही हैं वो भी सेफ होने चाहिए, दैट मस्ट बी सेफ। ये गवर्नमेंट में भी नाइट ड्यूटी चलती है? गवर्नमेंट में नाइट, यस, रेलवे एम्प्लॉय, यस, अगर आप रेलवेज की बात करें तो वहां पर नाइट ड्यूटीज, देयर आर स्टाफ हु आर विलिंग टू डू नाइट ड्यूटीज, बट आप अगर एक सेफ प्लेस की बात करें, सेफ स्पेयर्स की बात करें, वो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक फीमेल ने रात को अगर ड्यूटी की है और वो सुबह अगर 5 बजे निकल रही है ड्यूटी ख़त्म करके, तो क्या हमारे ट्रांसपोर्ट, दूसरे ट्रांसपोर्ट या ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो उसको सेफ घर पहुंचाएंगी? ऐसी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, सो दिस इज़ अ इशू। तो ये किसे आप लोग मांग कर रहे हैं जी? इन चीज़ों की मांगे किससे कर रहे हैं? इन चीज़ों सरकार से कर रहे हैं कि देर शुड बी सम गाइडलाइंस कि अगर आप फीमेल से इस तरह की ड्यूटीज़ कराने की आपकी है झील, तो जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम भी सपोर्ट करते हैं, यस वी शुड डू ऑल ड्यूटीज जो कि एक मैन कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं, बट देन आप वो सब स्पेयर हमें प्रोवाइड करवाइए, वो सब एक माहौल हमें प्रोवाइड कराइए जहां हम अपने आप को सेफ फील करें और अपनी ड्यूटीज को बहुत ही ईमानदारी से करें। जी मैडम। जी मेरा नाम नीना यादव है, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत हूँ ENRC के पद पर। हमारे यहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 से 2, 2 से 10, 10 से फिर सुबह 6 बजे जो महिलाएं अपने घरों से निकल के आती हैं उनको 6 बजे की ड्यूटी करने के लिए सुबह 5 बजे निकलना होता है। कुछ महिलाएं तो 4:30 बजे निकलती हैं, उनके लिए कहीं सेफ माहौल नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर उनके साथ कहीं भी कोई आपत्तिजनक बात होती है तो उसकी जवाबदारी किसकी बनती है? आज प्रशासन से हम सब ये मांग करते हैं कि हमसे ड्यूटी अगर करानी ही है हम हर तरह से करने को तैयार हैं, लेकिन हमें एक माहौल ऐसा प्रावधान कराया जाए जिसमें हम सुरक्षित और संतुष्ट हों, तो हम हर तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.